गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे सेसी व्लॉग्स। तो आज मैं आपको करीब से कुछ अपने रूम में दिखाने लगती हूँ, जो कभी कभी आप लोगों को मेरे व्लॉग्स में दिख जाता था, जो कि है ये वॉलपेपर फटा हुआ। तो ये वॉलपेपर फट चुका है, इसको ऑलमोस्ट 5 साल मेरी शादी को हो गए, 5 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। तो हमने शादी के कुछ टाइम बाद ही ये वाला वॉलपेपर लगा लिया था, पूरा ऊपर दूर से दिखा। और बहुत लोगों ने इसका हमसे लिंक भी मांगा था, तो जहाँ से ही मैंने लगवाया था लिंक नहीं, क्योंकि मेरे घर के पास ही है वो शॉप, वहाँ से मैंने लगवाया था। लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर पा रही थी, बिकॉज आपको पता है लॉकडाउन चल रहा था। ऐसे मुझे बोल रहे थे कि प्लीज़ अपने रूम का मेकओवर करो, मुझे मेकओवर करना है। बट फिर मैं यही सोचती हूँ कि ये बहुत छोटा रूम है, अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दूँ और कल को कुछ ऐसा हुआ कि हमें रूम शिफ्ट करना पड़ा या बड़े रूम में, क्योंकि ऑब्वियसली मायरा के साथ मायरा का स्कूल स्टार्ट होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों को पता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं इसमें क्या करूँ, मतलब देखो इसमें कोई जगह नहीं है, कोई मैं अलमारी भी नहीं बना सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। और क्योंकि मेरे रूम में सिर्फ दो ही वॉल है, एक बेड की वॉल है और एक ये वॉल है जो टीवी ने ले ली है। बाकी आपको पता है इस साइड मेरी कोई वॉल नहीं है, पूरी बालकनी है, दिखा इस साइड पूरी मेरी बालकनी है, आप लोगों को पता है मेरे रूम में। और इस साइड जो है 3 दरवाजे आ जाते हैं, जिसमें से एक टॉयलेट का आ जाता है, एक अलमारी आ जाती है और एक रूम का दरवाजा आ जाता है। तो मेरे पास वॉल है ही नहीं ना के बराबर। तो इसी वजह से मैं हमेशा ही सोचती थी कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट ना करूँ। मतलब मन तो मेरा भी बहुत करता है कि हाँ मैं अपने रूम को थोड़ा सा इस पर करूँ, बट मैं क्या करूँ मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। बट फाइनली अभी कुछ ऐसा नहीं है, अभी तो इसी रूम में ही है हम कुछ टाइम तक, देखते हैं फिर। तो इस रूम को थोड़ा सा मैंने इस वॉल के लिए वॉलपेपर मैं बहुत टाइम से जो सोच रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं वो कैसे बनवाऊँ, क्योंकि मैंने कुछ अलग सोचा था इस बार, क्योंकि वॉलपेपर मेरे को नहीं करना, वॉलपेपर करना था बट मुझे कुछ अलग करना था। और जो मैंने सोचा है वो फाइनली हो गया है। तो आज मैं इस वॉल पे वॉलपेपर स्टिक करने वाली हूँ, मायरा को चोट लगी। तो ये देखो, ये है अभी मेरी वॉल। और मुझे ऑब्वियसली बेड भी चेंज करना, क्योंकि बेड की ना नीचे से पूरी प्लाई निकल गई है बहुत ज़्यादा। तो उससे क्या होता है, कई बार हम बहुत स्पीड में यहाँ पे ऐसे ऐसे आते हैं चलकर, तो अंदर से लग जाता है चादर वगैरह फोल्ड करने में, अंदर डालने में। तो ये भी चेंज करना है मुझे, यहाँ पे थोड़ी सी शेल्फ्स वगैरह, अच्छा मैं सब कुछ बता दूंगी तो फिर दिखाऊंगी क्या, शेल्फ्स वगैरह भी लगाने हैं। सो अभी फटाफट से पहले हम वॉलपेपर का काम कर लेते हैं और फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो है वो है ड्राइंग रूम की ये वाली वॉल, ये देखिए अभी ये इस तरह से है, ये टेक्स्चर है, बेसिकली ये टेक्स्चर है और ये भी बहुत पुराना है। सो इस पर भी हम करवाने वाले हैं स्टिक। अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट है वो है मम्मा के रूम की वॉल, तो इस पे भी हम करवाने वाले हैं, इस वाली वॉल पे। गाइज अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगी इस वॉलपेपर की अनबॉक्सिंग और पैकिंग। पहले मैं आप लोगों को पैकिंग दिखाती हूँ कि ये मुझे देखिए किस तरह से एक कार्टन में रिसीव हुआ था, और इसके अंदर आपको वॉलपेपर के रोल्स मिलेंगे। मतलब इसके ये एक कार्टन है, इसके अंदर वॉलपेपर के रोल हैं। और अगर जैसे भी बारिशों का मौसम है, बारिश भी हो जाए तो भी आपका वॉलपेपर बिल्कुल गीला नहीं होगा। भी आप देखेंगे जब दीपू खोलेंगे तो कितने अच्छे से इन्होंने अंदर पैकिंग करी हुई है वॉलपेपर की, और ना ही आपका वॉलपेपर फट सकता है। सो या देखिए आप इसकी अनबॉक्सिंग। गाइज दी मैजिक वॉल डॉट कॉम की स्पेशल बात ये है कि ये स्पेशली कस्टमाइज़ करते हैं आपके लिए वॉलपेपर। मतलब अगर आप कोई स्पेसिफिक कोई पर्सनली फैमिली फ़ोटो चाहते हैं या पैटर्न चाहते हैं, कोई प्रिंट चाहते हैं, आपको इनको मेल करनी है पिक्चर्स, और ये आपके लिए कस्टमाइज़ करके भेजेंगे आपके डोर तक। और इसके ना ही ये कोई अलग से शिपिंग चार्जेस लेते हैं, और इनके साथ सारे एप्लीकेटर मिलेंगे आपको, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक ब्लेड, और ये जिस तरह से भैया पेस्ट बना रहे हैं ग्लू का, ये वाले बॉक्स पाउडर होता है, मतलब ये एक पाउडर टाइप का ग्लू है, इसको पानी में मिक्स करना है अपने ब्रश की हेल्प से धीरे धीरे डाल के, ताकि लम्ब्स ना बने। और एक कटर आता है, और जिससे कि ईजिली आप अपना वॉलपेपर खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस ये देखो ग्लू कितनी थिक ग्लू बन गई है।
तो ये रोल आपको इस तरह से कटिंग में रिसीव होंगे, उसके बाद आपने रोल को ओपन करके इस तरह से डिज़ाइन मैच करना है, वो आप समझ जाएंगे देखकर। मैंने यहाँ पे वीडियो भी आपको वीडियो में भी थोड़ा समझाने की कोशिश करी है कि किस तरह से भैया दोनों डिज़ाइन को मैच करें। एक्चुअली मैं और दीपू मिलकर ये लगा रहे थे, बट साथ में शूट करना भी था, तो दीपू कह रहे मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा, फिर मैं शूट कर रही थी, तो इसलिए दो लोगों की इसमें ज़रूर हेल्प चाहिए होती है। और मायरा तो ऐसा कुछ घर में हो रहा होता है ना, बहुत एक्साइटेड हो जाती है, तो दीपू को उसको भी संभालना पड़ रहा था, और तमन्ना को साथ साथ सफाई भी करनी थी, क्योंकि ये ग्लू कहते हैं कि इसको, ये जो ग्लू है बहुत स्लिपरी होती है, इसको अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल, अगर आप चलेंगे तो आप फिसल भी सकते हैं, इतनी स्लिपरी होती है। तो देखिए भैया ने पहले डिज़ाइन को मैच करा है, एंड उसके बाद ब्रश की हेल्प से वो ग्लू अप्लाई करके, अब यहाँ पे ध्यान से आप ये देखिए कि आपने इतने लंबे वॉलपेपर को आपने संभालना कैसे है। तो ये भैया देखिए अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद किस तरह से आपने इसको, इस तरह से जैसे आप एक लच्छा पराठा बनाते हैं ना, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, उस तरह से आपने इसको लेयर बना के फोल्ड करना है। उसके बाद आपने वॉल पर भी अच्छे से ब्रश की हेल्प से अप्लाई करनी है ग्लू, एंड फिर आपको दूसरा बंदा जो भी आपके साथ हेल्प कर रहा होगा वो आपको इस तरह से पकड़ाएगा वॉलपेपर, एंड आपने डिज़ाइन जिस तरह से मैच करा है उसके अकॉर्डिंग ही जहाँ पे साइड वाला आएगा, दोनों साइड लेफ्ट साइड का आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड कौन सा प्रिंट आएगा और राइट साइड कौन सा, उसके बाद अप्लाई करके इस तरह से आपको ये एप्लीकेटर मिलेगा, जिससे आपने बिल्कुल इसको प्रेस करना है ताकि कोई भी बबल ना आए, एंड उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसके लिए भी आपको कटर रिसीव होगा, उससे आपने इसको काट देना है। तो ये चीज़, ये वाला जो है ना प्रोसेस, इसको अच्छे से प्रेस कर करके इस जो भी एप्लीकेटर से करें, ये ज़रूर करना है। इससे क्या होगा, आपका वॉलपेपर एकदम स्ट्रेट होगा, कोई इसमें बबल नहीं आएगा। तो बस इसी तरह से आपने सिंपली इसको अप्लाई कर लेना है, और जैसे कि मैंने बताया एक्स्ट्रा इस तरह से काट लें। रूम का वॉलपेपर हो गया है, आप देख सकते हैं। अभी ये 7 घंटे तक फ़ैन नहीं चलाना है, क्योंकि फिर फैन से ये जो ये यहाँ पर जॉइंट है, आई डोंट नो आप देख पाओगे नहीं देख पाओगे, ये खुलने का डर रहता है, सो यहाँ पे स्लीपरी है। तो 7 घंटे तक सिर्फ एसी चला सकते हैं, और 24 घंटे लगते हैं इस ग्लो को सूखने में। तो ड्राइंग रूम के लिए जो वॉलपेपर है वो है ये वाला, इस वॉल के लिए। तो अभी देख लो इस वॉल का बिफोर, ये देखो बिफोर, फिर मैं आपको आफ्टर दिखाती हूँ। TheMagicWall.com वर्ल्ड वाइड डिलीवरी करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, जैसे कि मैंने बताया कोई शिपमेंट नहीं देनी है आपको, और 1 ईयर की वारंटी है इनके वॉलपेपर की, 100% इको फ्रेंडली है इनके वॉलपेपर। और गाइस सबसे अच्छी बात, इनके पास EMI पेमेंट भी इनकी अवेलेबल है, तो अगर आप EMI के थ्रू अपनी पेमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और गाइस आपको TheMagicWall.com का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही साथ मैं एक प्रोमो कोड दूंगी अपना, जिसे अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 25% का ऑफ भी मिलेगा TheMagicWall.com पर। बारी है मेरे रूम के इस वाले वॉल की, जिसके लिए आप लोगों ने मेरे को बहुत सारे कमेंट्स करे, तो देख लो अच्छे से, देख लो ये फटा हुआ मेरा वॉलपेपर। तो इसका फाइनल लुक मैं आप लोगों को एप्लीकेशन के वक्त नहीं दिखाऊंगी, जब पूरा हो जाएगा ना, तो इसके लिए थोड़ा सा आप वेट करो, बिकॉज सस्पेंस है इसके अंदर थोड़ा सा इस वाली वॉल के लिए। तो मैं आपको पूरा जब हो जाएगा ना तभी दिखाऊंगी। अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ एकदम एंड में, जब सारी चीज़ें, मतलब इसका वॉल लग जाएगा, बाकी सारे रूम भी सेट हो जाएंगे, तब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ओके सो स्टे ट्यून्ड। तो हाय गाइस, हाय इसलिए क्योंकि मैं उस दिन के बाद से, आज 4 से 5 दिन के बाद ये शूट कर रही हूँ, जब मैं आप लोगों को अपने रूम का फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ। आई नो आप लोगों ने फाइनल लुक देख लिया होगा, रिवील हो चुका है बहुत सारी जगह, बट स्टिल फिर भी मैं आप लोगों को अपने आप में खुद दिखाने वाली हूँ, तो यार देखते हैं।
ये था मेरे रूम का फाइनल लुक और मैंने दो तीन वॉल्स जैसे कि आपने देखा मेकओवर करा है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग हो गई है कि मैं अपने रूम का मेकओवर करना स्टार्ट कर रही हूँ। धीरे धीरे सारी चीज़ें करूँगी। अब जो नेक्स्ट है, शायद अब जो नेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला है कि मैं अपने रूम का बेड चेंज करूँगी, फिर पर्दे चेंज करूँगी, थोड़ा सा मैं अपनी टीवी जो एरिया है मैं वहाँ पे भी थोड़ी सी कुछ अच्छा ठीक है मैं बता देती हूँ। मैं पता नहीं कि इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ सारी चीज़ें बता देती हूँ। तो आप लोगों को धीरे धीरे अब चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर होपफुली लॉकडाउन आगे नहीं रहा नहीं लगा तो चीज़ें और भी मैं करने वाली हूँ। और या यही था मेरा लिटिल बिट ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ इसी तरह का चाह रही थी इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था बिकॉज मुझे कुछ मिली नहीं, कोई साइट ही नहीं मिल रही थी मेरे को वेबसाइट जो कुछ इस तरह का मेकअप बना के दे। फाइनली मुझे दी magicwalls.com मिला और उनसे मैंने कस्टमाइज करवाया और सबसे अच्छी बात उन्होंने बहुत जल्दी करा। आप भी कुछ इस तरह का कस्टमाइज करवाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने बताया तो आप करवा सकते हैं। ये हर तरह का आपके लिए कस्टमाइज कर देंगे वॉलपेपर, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो कुछ आपने कुछ लिखवाना है, कोई टाइटल या कुछ भी जो आपका मन करे वैसा प्रिंट करवाना है, ये सब कुछ कस्टमाइज करके देंगे बिल्कुल आप जो चाहेंगे उस तरह का। और अगर आप यहाँ से कुछ भी अपने लिए वॉलपेपर या कुछ भी ऑर्डर करते हैं प्रिंट करवाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा प्रोमो कोड मिलेगा और मैजिक वॉल्स की वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको बस दो चीज़ें करनी है, क्या कि आपने जो वॉलपेपर प्रिंट करवाना है वो आपने चूज करना है अपने अकॉर्डिंग, या कस्टम आपने कुछ भी आपने नहीं करना, आपने बस अगर आपने कुछ इस तरह का फोटो वाला बनवाना है तो आपको फोटो सिलेक्ट करनी है जो जो है ना आपने उनको सेंड कर देना है अपने अकॉर्डिंग। कोलाज बनाते हैं, एडजस्ट करते हैं, जैसे कि ये मैंने सिर्फ उनको पिक्चर सेंड करी थी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग करा। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने जिस वॉल के लिए बनवाना है ना आपने उस वॉल का मेजरमेंट बिल्कुल सही से करना है क्योंकि मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वॉल पिक्चर्स बनाने के लिए, क्योंकि अगर बिल्कुल भी आपके मेजरमेंट्स इधर से उधर हुए तो पिक्चर्स कट जाएंगी। मैंने प्रॉपर उनको बेड का भी ये नाप के दिया था कि इतनी जगह पे मेरा बेड बेड का जो बैकड्रॉप है वो आ रहा है ताकि उस जगह से भी पिक्चर्स ना कट रही। तो आप देखेंगे तो मायरा पे फेस पूरा पूरा आ रहा है, कहीं से भी कट नहीं रहा है, वो सारा का सारा मेजरमेंट्स का खेल है। तो आपको मेजरमेंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ये लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। कुछ नहीं करना है, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और हाँ, मेरा प्रोमो कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और या मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।